दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी नई मुसीबत में घिर गई है। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल काफी जोश में थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनके करीबी विभव कुमार ने सब चौपट कर दिया और अब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ जमकर खुलासे कर रही है और अरविंद केजरीवाल सफाई देते फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर उनकी पार्टी इस तरह से घिर जाएगी। आज दिल्ली में चुनाव से पहले हर तरफ इस बात की चर्चा है कि आम आदमी पार्टी अपने ही महिला सांसद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी स्वाति मालीवाल के साथ, जिसे अरविंद केजरीवाल लेडी सिंघम बताते थे। लेकिन अब इस लेडी सिंघम ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास में अपने साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया है। इस दौरान उन्होंने इस आरोप का भी जवाब दिया है कि उस दिन वे बिना लड़खड़ाए सीएम हाउस से कैसे बाहर निकलती दिखी थी और फिर बाद में क्यों लड़खड़ाने लगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब किसी को चोट लगती है तो वो उस वक्त दर्द का एहसास थोड़ा कम होता है, जितना कि बाद में होता है। उन्होंने इसे विक्टिम शेमिंग बताते हुए कहा कि निर्भया को भी इसका सामना करना पड़ा था। साथ ही स्वाति मालीवाल ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए वो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने को भी तैयार है, क्योंकि खुद पर लगे झूठे आरोप के साथ वो कैसे जिंदा रह सकती है। ANI को दिए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्होंने एक बात थी जो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे ये कहा था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस देश में न्याय पाने की जो जिल्लत है ना, कम से कम वो तो उसे नहीं देखनी पड़ रही। निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था। तो इस तरह की जो विक्टिम शेमिंग है वो हर लड़की के साथ होती है, ये कोई नई बात नहीं है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती हैं कि देखो इसके तो कपड़े नहीं फटे हैं, देखो इसका तो सिर नहीं फूटा है, तो बस अब इसी का कसर रह गई थी, वो भी करवा देते। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि मैंने कब FIR में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए, मैंने कब कहा कि मेरा सिर फट गया, मैं खूनम खून हो गई। एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ वर्ड टू वर्ड मैंने बिल्कुल वही लिखा है, ना आगे ना पीछे। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैं चाहती हूं कि पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिंदा रहूं। जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए, आज उसी को तुम पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो झूठे आरोप लगाती है, तो इस आरोप के साथ मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ। वहीं स्वाति मालीवाल से मारपीट पर उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा कि इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, वही इसके मास्टरमाइंड है, उनका नार्को टेस्ट कराया जाए तो देखा आपने कैसे स्वाति मालीवाल ने खुद ही पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। ऐसे में सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी विभव कुमार का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय कमेंट में हमें जरूर बताइए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।